أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया सब्जेक्ट जो इसी करिकुलम से एक्सट्रैक्ट किया है, जिसका टाइटल है यूज़ ऑफ इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरीज। तो आज इसका लेक्चर नंबर 10 है, उसका उनवान है ईमेल। ईमेल क्या है और लाइब्रेरी में इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कराया जाता है, आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। ईमेल का इर्तिकाई मंजर जो कब से कब तक और किस फॉर्मेट में ये रिवाइव हो गया था। आई माई सेल्फ आबिद हुसैन, एम फिल स्कॉलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इफ यू हैव एनी फीडबैक तो यू कैन राइट टू आबिद हुसैन @gmail.com। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड की व्हाट इज ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, ईमेल मुहाफ़ है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। Commonly shortened to email is communication method that uses electronic devices to deliver message across computer networks. Email जब भी नाम आ जाता है तो इसका मतलब कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए से किसी को पैगाम पहुंचाना, डिलीवर करना। ईमेल रेफर्स टू बोथ द डिलीवरी सिस्टम एंड इंडिविजुअल मैसेज दैट आर सेंट एंड रिसीव। ईमेल से मुराद एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है जो सेंड करते हैं और एक रिसीव करते हैं, और क्या इंडिविजुअल मैसेजेस होते हैं। ईमेल हैज एग्जिस्टेड इन सम फॉर्म सिंस 1970s व्हेन प्रोग्राम रे टॉमलिंसन क्रिएटेड अ वे टू ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आर्पानेट। 1970 में रे टॉमलिंसन ने एक ट्रांसमिट मैसेज के लिए पहली दफ़ा जो इस्तेमाल किया था वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आरपा नेट के नाम से। जब इंटरनेट मुतारफ कराया तो 1970 में उसने पहला तजर्बा ईमेल भी किया था। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोशल ईमेल बिकेम अवेलेबल फॉर वाइड स्प्रेड पब्लिक यूज विद डेवलपमेंट ऑफ ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर आउटलुक एंड वेब ब्राउजर। ये जो मॉडर्न ईमेल है कब से हमारे वजूद में आई थी, ये आउटलुक के जरिए से या वेब ब्राउजर के जरिए। The letter of which enables user to send and receive messages over the internet using web-based email client like Gmail वगैरह। बाद में जो ना इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो ना फीड आ गई, जैसे कि Gmail आया, Hotmail आ गया, Yahoo Mail वगैरह वगैरह आ गए। तो इसी तरह ये इब्तिदाई मनाजर से तय होते हुए टुडे ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। आज खतो किताबत का जमाना, कैसे रिकॉर्ड ऑडियो टेप भेजने का ज़माना चला गया। आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर में तो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं वो है ईमेल। अब आ जाते हैं कि यूज ऑफ ईमेल इन द लाइब्रेरीज। ईमेल इज एन इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विंग वेरियस पर्पस दैट कंट्रीब्यूट टू इफिशेंट कम्युनिकेशन आउटरीच एंड सर्विस डिलीवरी। There are some key aspects, key ways in which email is utilized in library. Email library में, modern library service में बहुत ज़्यादा अहम role play कर और मुख्तलिफ मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो पहला मकसद है कम्युनिकेशन विद patrons, libraries use email to communicate with patrons regarding overdue items or reservation pickups, renewal reminders and general library announcements. Email notification help keep patrons informed and engaged with the library services. Email जो library में communication with patrons के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, reminder के लिए भी, overdue items के लिए भी। साथ ही कि library के अंदर जो journal announcement आ रही है तो notification के जरिए से अपने patrons को बाखबर रख सकते हैं। Reference and research assistant. Libraries provide reference and research assistance via email, where patrons can submit inquiries, request information, and seek help with research projects. Librarians respond to the emails, offering guidance, resources, and expert advice. आपको पता है ज़्यादातर लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विसेज या रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए पेट्रंस लाइब्रेरियन को ईमेल करते हैं, जिसके ज़रिए से वो मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरी पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में या रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। लाइब्रेरी से हेल्प मांगते होते हैं कि आप मुझे फला फला डेटा ऑफर करें। तो इसी तरह ये रिसोर्सेज, एक्सपर्ट एडवाइसेस के लिए लाइब्रेरियन और पैट्रन के जरिए कम्युनिकेशन का जरिया। प्रोग्राम एंड इवेंट प्रमोशन। लाइब्रेरीज प्रमोट दियर प्रोग्राम, इवेंट, वर्कशॉप्स
and exhibits through email campaign. They send invitation, announcement, and reminders to patrons, encouraging attendance and participation in the library activities. लाइब्रेरी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स और इवेंट होते हैं, तो ईमेल को इसी की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मतलब दावत दी जा सकती है वर्कशॉप्स की, इवेंट की, एग्जीबिशन की या दूसरे किस्म की कंपेल चलाने के लिए लाइब्रेरी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. न्यूज लेटर एंड अपडेट्स. लाइब्रेरीज एंड सेंड आउट न्यूज लेटर एंड रेगुलर अपडेट्स वाया ई मेल टू कीप पैटर्न इन्फॉर्म अबाउट द न्यू एक्विजिशन. जो आजकल लाइब्रेरियाँ ई मेल के जरिए से अपनी न्यूज लेटर भिजवाई जा सकती है. पहले ज़माने में जो ना हार्ड फॉर्म में वो पैटर्न सेंड करते थे, तो अब ये सबसे चीपर जरिया. अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स के बारे में, करेंट इवेंट्स, न्यूज इन द फील्ड. न्यूज लेटर ऑल्सो हाईलाइट फीचर रिसोर्स एंड सर्विस. या जो लाइब्रेरी में विजिटर आए और न्यूज लेटर के जरिए से पैटर्न के साथ शेयर किया जा सकता है. आखिरी स्लाइड है इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी में और किस जगह पे. इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट. पैटर्न कैन रिक्वेस्ट इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज थ्रू ईमेल. फेयर लाइब्रेरीज कोऑर्डिनेट बोरोइंग मटेरियल्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ पैटर्न्स. ईमेल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट इफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ लोन रिक्वेस्ट. जैसे कि इंटर लाइब्रेरी लोन को हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया होता, अगर किसी लाइब्रेरी में कोई चीज़ ना हो तो इंटर लाइब्रेरी लोन के जरिए से पैटर्न लाइब्रेरी के मेल कर सकते हैं और इस ईमेल को फॉरवर्ड करके दूसरी लाइब्रेरी से वही चीज़ें मंगाई जा सकती है. लाइब्रेरी मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन. लाइब्रेरीज यूज ईमेल फॉर मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, अकाउंट सेटअप एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस. दे सेंड कंफर्मेशन ईमेल्स, अकाउंट एक्टिवेशन लिंक्स एंड लॉग इन कॉन्फिडेंशियल्स या क्रेडेंशियल्स टू न्यू मेंबर्स, इंश्योरिंग स्मूथ एक्सेस टू लाइब्रेरी सर्विसेज. लाइब्रेरी मेंबरशिप के लिए आजकल रिक्वेस्ट या अगर आपका पासवर्ड चेंज हो गया तो लाइब्रेरी के जरिए मतलब पैटर्न के साथ वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं. फीडबैक एंड सर्विस. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ईमेल लाइब्रेरीज गैदर फीडबैक फ्रॉम पैटर्न्स थ्रू ईमेल सर्वे एंड फीडबैक फॉर्म्स. दे सॉलिसिट इनपुट ऑन लाइब्रेरी सर्विसेज, कलेक्शन फैसिलिटीज एंड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस यूजिंग ईमेल एज ए कन्वीनियंट फीडबैक कलेक्शन टूल्स. इसी ईमेल को फीडबैक और सर्वे पर्पस के लिए पैटर्न और लाइब्रेरी के दरमियान लगाई जा सकती है. इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एक्सेस. जैसे कि आपको पता है कि आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की एक्सेस के लिए लाइब्रेरीज प्रोवाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, डेटाबेसेस एंड डिजिटल कलेक्शन थ्रू ईमेल. ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस इंस्ट्रक्शंस. पैटर्न रिस्क्यू, लॉगिन डिटेल, एक्सेस लिंक्स एंड ट्रबल शूटिंग टिप्स वाया ईमेल फॉर सीमलेस एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज. जैसे कि आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की कोई भी क्वेरी या डेटाबेस के हवाले से तो लाइब्रेरियन और पैटर्न एक दूसरे के साथ इसके जरिए से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. कोलाबोरेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. लाइब्रेरी स्टाफ को ईमेल फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट, शेयरिंग अपडेट्स, शेड्यूल मीटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क. ईमेल फैसिलिटेट इफिशेंट टीम वर्क एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर्स. एक दूसरे के साथ लाइब्रेरियन एक दूसरे के साथ कोलाबोरेट करते हैं या फैकल्टी के साथ कोलाबोरेशन प्रोग्राम हो, प्रोफेशनल कम्युनिटी के दरमियान कोलाबोरेशन प्रोग्राम हो, तो इस ईमेल को इस्तेमाल किया जा सकता है. लिहाजा इससे मालूम हो गया कि खत किताबत टेप रिकॉर्ड वगैरह का ज़माना चला गया. अब पैटर्न्स और लाइब्रेरियन के जरिए जितनी कम्युनिकेशन होती है मोबाइल पे कम और मतलब कॉल पे कम होती है, तो ईमेल के जरिए से बहुत ज़्यादा होती है. मुझे उम्मीद है आपको ईमेल की अफादियत का पता लग गया होगा. मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.